हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं, चैप्टर का नेम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट पता है क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई होती है। यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ एक बारी ताकि आपको समझ आ जाए। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट। तो बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट बताता है क्या और किसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई जगह भी हो सकती है। यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है। जो भी चीज़ या जो भी पर्सन प्लेस दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, क्या हो रहा हो, उसको क्या कर रहा हो, वो एक्शन कर रहा हो, ठीक है। तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट से आपको क्या समझ आया? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई हो और वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। और वर्ब तो पता ही है, वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब तो वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन, क्या होते हैं, मैं लिखवा देती हूँ, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट पर्सन प्लेस और थिंग। ये क्या कह रहा है? वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का क्या है? क्रिया वह शब्द है जो किसी पर्सन प्लेस या फिर किसी वस्तु के रिलेशन में सब कुछ बताते हुए काम के होने का, होने को शो करती है, मतलब व्यक्त करती है, ठीक है। काम के होने का पता चलता है, वो होता है वर्ब, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की गई है। तो अब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। आपको दोनों अलग अलग समझ आया? तो यहाँ पर हेडिंग डालिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये क्या होता है? द सब्जेक्ट टर्म सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जस्ट लाइक नेम सजेस्ट, जो क्या नेम से ही इसके पता चल रहा है, refers to the agreement between, किसके बीच में agreement होता है, subject के और verb के बीच में agreement होता है, ठीक है। This is mainly with reference
टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस या फिर प्रोनाउंस जो एक्ट करते हैं सब्जेक्ट की तरह, एक्ट्स एज सब्जेक्ट। तो आपको क्या समझ आया है? ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन मतलब एग्रीमेंट हो तो उसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये क्या बताता है? सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन को बताता है जो कि एक्ट करते हैं सब्जेक्ट की तरह। तो आप इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको याद रहेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री विद वन अनदर इन नंबर। नंबर मतलब सिंगुलर, अभी मैंने बताया था, या फिर प्लूरल। तो आपको ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। ये कहता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका मतलब क्या है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर नंबर मतलब बता दिया मैंने कि सब्जेक्ट के सिंगुलर या फिर प्लूरल होने क्या होना हो प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बता दूँ एक पर्सन की बात हो रही है तो इसके लिए इज़ का यूज़ करते हैं। अगर जैसे दो लोगों की बात हो रही है या फिर दो से ज़्यादा की हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। तो ये यही कह रहा है, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है तो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है उसको। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देते हैं। जिसे यहाँ पर लिखा है मैंने, ऑल ऑफ माई ड्रेसेस हैव बिकम टाइट। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ऑल ऑफ माई ड्रेसेस हैव बिकम टाइट, मेरी सारी ड्रेसेस टाइट हो गई हैं। तो इसमें किसकी बात हो रही है? ऑल सारी, किसकी बात हो रही है? सारी ड्रेसेस की। तो इसमें क्या यूज़ किया हैव? आपको पता हैव कब यूज़ करते हैं? प्लूरल के साथ, ठीक है। तो आपको सेंटेंसेस बनाते वक्त सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, शी लाइक्स टू हैव अ डिजर्ट आफ्टर एवरी मील। तो क्या कह रहे हैं? उसे हर खाने के बाद मिठाई मतलब डेजर्ट खाना पसंद है, आफ्टर एवरी मील, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहा है? शी, शी क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज़ होता है? एस यूज़ होता है। टू हैव डेजर्ट आफ्टर एवरी मील, ठीक है।
इसमें क्या यूज़ हुआ है? हैव यूज़ हुआ है. हैव क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि ही, इसमें क्या बता दिया हमने, एस लगा दिया, तो इसलिए क्या यूज़ हुआ है? हैव यूज़ हुआ है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कि इन दो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, जो कि सिंगुलर प्लूरल या फिर सिंगुलर प्लूरल नाउन या फिर सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन के रेफरेंस से होता है, जो कि एक्ट करते हैं कैसे, एज अ सब्जेक्ट एक्ट करते हैं. ठीक है, और बेसिकली मैंने आपको एक इजी डेफिनेशन भी लिखवा दी है कि सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट एग्री विद वन अनदर इन नंबर, उन्हें एक दूसरे से एग्री होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द नंबर. तो ये कुछ एग्जांपल देखे थे इसके. तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको रूल्स समझ में आ गए, काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, 14-15 रूल्स होते हैं इसके, एक एक करके सारे रूल्स पढ़ेंगे कि कब क्या यूज़ करना होता है, कब सिंगुलर, कब प्लूरल, कब एस लगता है, कब प्लूरल नंबर लगता है, कब सिंगुलर या प्लूरल यूज़ होता है, सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.